छिंदवाड़ा जिला के चौरी में वरिष्ठ पत्रकार ललित देरिया पर लगभग 21 सितंबर को कुछ लोगों ने रात करीब 9:30 बजे हमला किया था, जिनकी जानकारी अज्ञात थी। हमला की जानकारी होते ही जिला के सभी पत्रकारों ने पुलिस विभाग में ज्ञापन सौंपा और मांग की थी कि जल्द ही हमलावर को पकड़ा जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने 5 टीमें गठित की और मामले की बारीकी से छानबीन की और अज्ञात हमलावरों को ढूंढ निकाला। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कंट्रोल रूम में खुलासे करते हुए बताया है कि चौरई राइस मिल मालिक शुभम खंडेल पांडे पत्रकार ललित डेरिया को मारने के लिए इकरार उर्फ 21 सिद्दीकी छिंदवाड़ा, मोहम्मद कैफे उर्फ कैफे सिद्दीकी छिंदवाड़ा, नाजिल खान छिंदवाड़ा, जिशान खान को 40,000 की सुपारी दी थी। आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और कार्रवाई की है, उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि जिशान खान आरोपी अभी फरार है, जिसे जल्द पकड़ा जाएगा। मामले की शुरुआत खबर प्रकाशित करने को लेकर थी। शुभम खंडेलवाल को सरकार से 1 करोड़ मिला था, लेकिन कुछ कारणवश धान मिल में होल्ड लगा हुआ था और शुभम धीरे धीरे पैसे निकाल रहा था। पैसे की जानकारी ललित डेरिया को हुई तो खबर प्रकाशित करने की बात फैल गई, जिससे आरोपी शुभम खंडेलवाल को पता चल गया और ललित डेरिया पर छिंदवाड़ा से लड़की बुलवाकर हमला करवाया गया था। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है, अब न्यायालय में पेश कर न्यायिक कार्रवाई होगी। दिनांक 21 सितंबर 2024 को जो पत्रकार ललित डेहरिया जी का थाना चौरे क्षेत्र में उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें 3 व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल से आके रॉड और लकड़ी से इनको मारपीट की थी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे, फ्रैक्चर हाथ और पैर में आए थे और इसके अतिरिक्त सर में भी चोट थी। तो पुलिस ने तत्काल धारा 307 अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और पुलिस की 5 टीमें लगाई गई थी। करीब 200 स्थानों के CCTV फुटेज चेक किए गए थे और फिर इसमें एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया था। इस दौरान जो CCTV फुटेज चेक किए उसमें कुछ पुलिस को संदिग्ध दिखे थे, उस आधार पर पुलिस ने 3 व्यक्तियों को चिन्हित करके उनकी जानकारी निकाली, जिसमें एक व्यक्ति है इकरार, दूसरा मोहम्मद कैफ, तीसरा जिशान। इन तीनों की इस घटना में संलिप्तता सामने आई थी। इनके द्वारा ही मोटरसाइकिल से जा करके ललित डेहरिया जी के साथ जानलेवा मारपीट की गई थी। इसमें 2 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। इनकी पूछताछ के आधार पर यह चीज स्पष्ट हुई कि शुभम खंडेलवाल मुख्य रूप से इनकी जो चौरई राइस मिल है, इनकी मिल में 2023 में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दबिश दी गई थी और सरकारी चावल कम पाए जाने पर इनके ऊपर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का केस बना था। उस केस में उलझने के बाद इनकी फर्म को ब्लैकलिस्ट किया गया था। उस दौरान इनका करीब 1 करोड़ रुपए का पेमेंट फंसा हुआ था, जिसमें अभी वर्तमान में करीब 75 लाख का पेंडिंग था और इनको ये जानकारी मिली कि शुभम खंडेलवाल को ये जानकारी मिली कि ललित डेहरिया जी एक इस संबंध में खबर चलाने वाले हैं, तो उनको इस तरह की खबर ना चलाएं। इस बात पर से शुभम ने अपने जो उसके यहाँ कार्यरत है नजील को बोल के और ये जो आरोपी हैं तीनों, उनको तीनों के द्वारा ये हमला कराया गया था। पुलिस द्वारा शुभम खंडेलवाल, नाजिल और ये 2 जो हमलावर अन्य हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में जो वाहन यूज़ किया था वो, जो रॉड इत्यादि यूज़ किया था वो, आरोपियों के मोबाइल फ़ोन इत्यादि जब्त किए जा चुके हैं और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें एक आरोपी इकरार का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है, पुलिस इसमें लगातार विवेचना कर रही है और कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। NBC News के लिए चौरे से राजेश उइकी की रिपोर्ट।